जब से पोखरा घुसे हैं तब से पूरा वाइब्स चेंज हुआ था और आज तो पूरा दुनिया ही चेंज हो गया। मेरा डिसीजन है शायद कागबिनी, क्योंकि मुझे मुक्तिनाथ जाना है। देखते हैं कितना दूर पहुंच पाते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक रोड पे आज आपको भाई बाइक चलने वाला है। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। ये है होटल, एक सिंगल बेड और अंदर में ये है बाथरूम। अगर आप सोलो हो तो आपको यहाँ पे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये सामने से पूरा लेक का व्यू। ऑल सेट, सारा लगेज बैग में एकदम पैकिंग हो चुका है। बोतल को इधर कहीं घुसा देते हैं। टाइम हो चुका है 7:43, निकल चुका है 7:48, मतलब 8 बजे के आसपास टाइम हो रहा है अभी। ये वाला पैच देखो यार, कितना खतरनाक है। और इतना खतरनाक पैच के बाद ऐसा चढ़ाई। सामने वहाँ पे दूर जो ऊंचा ऊंचा हिल्स देख रहे हो, यही देखने के लिए आदमी लोग नेपाल आते हैं। राइट साइड में भी दिख रहा है, लेफ्ट साइड में भी दिख रहा है। मुझे जितना देख के पता चल रहा है, ये वाला शायद अन्नपूर्णा होगा और वो वाला लुत्से। सोचो आदमी लोग वहाँ पे क्लाइम करने जाते हैं, और एवरेस्ट उससे भी शायद ज़्यादा हाइट पे, मुझे जो लग रहा है वो वाला एवरेस्ट है। पता नहीं गोप्रो में कितना आ रहा होगा। पोखरा से कुसमा तक जाएंगे, कुसमा से मुझे राइट लेना पड़ेगा बेनी के तरफ, और फिर बेनी तातोपानी कालोपानी होते हुए कागबिनी पहुंचना है। 170-175 के आसपास पूरा मुक्तिनाथ का डिस्टेंस है पोखरा से। मेरे हिसाब से अगर ठीक ठाक रोड मिले तो शाम तक पहुंच जाना चाहिए मुझे कागबिनी, क्योंकि वैसे ही मेरा 6 दिन का बंसार था। पोखरा में मैं 2 दिन रुक गया, 1 दिन वैसे ही मेरा शॉर्टेज चल रहा है। कुसमा में एक बहुत बढ़िया सा ब्रिज है, जाते वक्त ही सोच रहे हैं उसको कवर कर लेंगे। लैंडस्केप देखो यार, 2-3 दिन बाद पोखरा और पोखरा के बाद ये वाला जो रोड है एकदम मक्खन जैसा रोड, और ऊपर से इतना अच्छा लैंडस्केप, मस्त लग रहा है आज बाइक चलाने में। हाँ यही, लेकिन पका के दे सकते हो ना, पका के बना के। हाँ कितना करके भाई भाई? कच्चा नहीं, पका के। फर्स्ट के लिए रुका हूँ हिमालयन रेस्टोरेंट, हिमालयन व्यू रेस्टोरेंट बोल के रेस्टोरेंट था। 35 किलोमीटर पहले कुसमा से, सिर्फ नज़ारा देख सकते हो आप। फोन में जस्टिस कर पा रहा होगा, मुझे इतना दिख रहा है। हिमालयन का रेंज यार खतरनाक। हो गया ब्रेकफास्ट, निकल चुके हैं 9:12, 35 किलोमीटर अभी भी कुसमा ब्रिज डिसाइड किए हैं। कुसमा ब्रिज होके कुसमा ब्रिज घूम के फिर जाएंगे। जब पहाड़ों में ऐसा टारमैक रोड मिलता है ना, और राइट साइड में इतना खूबसूरत नज़ारे, तो ये बेंड लेने में भी बहुत मज़ा आता है और बाइक चलाने में भी। पहला 2 दिन इतना ज़्यादा कष्ट हुआ था यहाँ आने में, और जब से पोखरा घुसे हैं तब से पूरा वाइब्स चेंज हुआ था, और आज तो पूरा दुनिया ही चेंज हो गया। वही तो सोचूं कि हिल्स पे आऊं और ऑफ रोडिंग ना मिले तो कैसे चलेगा। और 2 बाइकर मिले हैं कोलकाता के, ये एक भाई हैं और एक भाई पीछे आ रहे हैं। मुझे इतना लग रहा है यही है बुगलिंग का ब्रिज, और नीचे पूरा का पूरा खाई। पहुँच चुका हूँ गंडकी गोल्डन क्या लिखा है, हाँ गंडकी गोल्डन ब्रिज में। अभी ब्रिज की तरफ उतरेंगे, ड्रोन लाए हैं, अगर हो पाएगा तो बहुत अच्छा एक ड्रोन शॉट लेंगे। हेलो बाय। शुरू हो गया जी ऑफ रोडिंग। मुझे जितना
पता है, मैंने इतना रिसर्च किया है, बेनी से जॉमसन तक का रास्ता सबसे ज़्यादा ख़राब है, फिर जॉमसन से काकबिनी मुक्तिनाथ का रास्ता बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब टारमैक रोड है। पहुँच चुका हूँ न्यूरेड बोल के एक जगह में, पूरा का पूरा मार्केट एरिया है। इस रोड से भी आ सकते थे लेकिन ये वाला रोड ख़राब है। आज लग रहा है मुगलिंग से जब पोखरा आ रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा हालत ख़राब होने वाला है। पूरा रोड पे स्लैशी है, पानी आके पूरा एकदम ख़त्म कर दिया है रोड। अब लग रहा है पहुँचा हूँ वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस रोड पे, नैरो रोड, ऊपर से पूरा का पूरा डेंजरस। राइट साइड में एकदम सुंदर सा एक वाटरफॉल दिख रहा है, अगर थोड़ा भी छांव रहता तो रुकते लेकिन अभी टाइम नहीं है। अगर इस टाइम इधर बारिश हो जाए ना, एक्चुअली कल कुछ भैया मुक्तिनाथ गए हैं तो उनसे कुछ पता चला कि कल उधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, अब पता नहीं हम लोगों को बारिश मिलेगा कि नहीं। ये डाउन वाला रोड देखो और राइट साइड में रिवर जा रहा है, देखो एकदम नज़दीक आ गया वाटर क्रॉसिंग। चलो नामी जाओ, आई ओटा दिए बेड़ो। हाँ लेफ्ट साइड में जो रिवर देख रहे हो इसका नाम है काली गंडकी नदी और तातोपानी बस पहुंचने ही वाले हैं। छोटा सा वाटर क्रॉसिंग, आज तो यार एडवेंचर का हद हो गया, भैया का टॉप रैक टूट गया, किसी तरह बंजी कॉर्ड से लगा के चल रहे हैं। और एक चीज़ मैंने नेपाल पे और एक चीज़ नोटिस किया, जैसे हम लोग का मनाली साइड देख लो या फिर सिक्किम साइड देख लो टनल बन रहा है एक से एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ जाने के लिए, यहाँ पे वैसा कोई टनल नहीं है, यहाँ पे हर जगह सस्पेंशन ब्रिज लगा हुआ है। बस जो टॉप रैक है ना वो टूट गया है, ठीक है, तो वेल्डिंग हो सकता है क्या? अभी टूट गया तो अभी तो टाइम लगेगा, वेल्डिंग तो हो सकता है पर टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे अभी काम है। अगर रुकेंगे तो यहाँ पे नाश्ता वास्ता कीजिएगा तब तक। टाइम तो लगेगा ही, डेढ़ घंटा लगेगा। पहुंच चुका हूं तातोपानी, ये पूरा तातोपानी एरिया है, हॉट स्ट्रिंग वाटर यहीं पे मिलता है। सामने वाला पहाड़ और ऊपर बर्फ वाला पहाड़ देख सकते हो मेरे राइट साइड में, ब्यूटी यार ब्यूटी। लेकिन सुबह में जो ब्यूटी देखे थे एवरेस्ट का वो पता नहीं कब देखेंगे। मुक्तिनाथ के सामने जो कोल्ड हिल्स दिखता है वो शायद अन्नपूर्णा है। मैं भैया के पीछे पीछे चल रहा हूँ क्योंकि टॉप बॉक्स बंजी कॉर्ड से लगा हुआ है, दीदी भी बैठी हुई है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं उतर के उनको हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि आगे निकल गया अगर उनको पीछे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। यह है हम दोनों का बाइक, तातोवन में थोड़ा सा रुके थे रेस्ट करने के लिए, अभी फिर निकलते हैं यहाँ से। और भैया रेडी हो चुका है एकदम, अभी शायद 4 घंटे के आसपास और टाइम लग जाएगा हम लोगों का पहुँचने में। 4 घंटा लगे है बोलो मोटामोटी, 3 घंटा तो देखाचे, 3 घंटा देखाचे, वो 4 घंटा धरे रखो, 4 घंटा बोलो, 4 घंटे का बस लग जाएगा। लेकिन घासा या जॉनसन तक अगर ये सूरज का रोशनी अगर पहुंच जाए तब कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करते हैं देखते हैं। और मेरा भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया ये टॉप बॉक्स को लेके, ये अभी बंजी कॉर्ड से फिक्स किए हैं, दिक्कत नहीं होगा, भगवान का बुलावा है जरूर पहुंच जाएंगे एकदम। शुरू हो चुका है काले काले पहाड़, लग रहा है कि हम मंदिर के बहुत सामने ही हैं, सामने मतलब अभी 3-4 घंटा लगेगा मुझे इतना पता है। ये मुझे बहुत गंदा लगता है, पूरा स्लैसी। एक्चुअली मेरा ऑफ रोड का टायर है नहीं, मेरा टारमैक का टायर है, इसीलिए थोड़ा इसमें स्लैसी जब रहता है ना रोड तो टायर फिसलता है बहुत ज़्यादा। चलो इस चढ़ाई को भी चढ़ लेते हैं। पहुंच गए चेक पोस्ट पे, लेकिन चेक पोस्ट पे तो कोई है नहीं। एदिके ये वाला थोड़ा खतरनाक है क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। पूरा का पूरा खतरनाक वाला ऑफरोडिंग चल रहा है यहाँ पे।
जितना आसान आप लोग सोच रहे हो उतना आसान है नहीं। देखो कितना ज़्यादा चढ़ाई है, पहले सबको उतरने देते हैं फिर हम चढ़ेंगे। सामने वाला पैच बहुत खतरनाक है, पूरा बड़ा बड़ा बोल्डर। सामने वाला वाटरफॉल्स देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। माइंड ब्लोइंग। रोड का हालत देख सकते हो क्या है, इसके ऊपर से बाइक लेके जाना है। और ये वाला वाटरफॉल देखो यार। भैया ने हम लोगों के लिए बना है स्पेशल चाय, आज भैया के हाथ का चाय पियेंगे। दिस मोमेंट विल बी अ लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर अस। কি অন করবে? অন আছে নাকি? না। অন হয়ে গেছে। হয়েছে? আরেকটা আছে আর নেই তো? না। চলো। চলো আস্তে, গান্ধী হালকা করে কাটাও, হালকা, বেশি শটল দিতে হবে না। চলো ভাইয়াকে নিকাল দিয়ে আর মেরি বাড়ি। জব আয়ে থে তব উতনা জাদা স্ল্যাশি নেই থা, লেকিন অভি বড়া বড়া ট্রাক গিয়া হ্যায় আর পানি ভি আ রাহা হ্যায়, ইসিলিয়ে থোড়া জাদা স্ল্যাশি হো চুকা হ্যায়। अरे यार और कितना स्कीट मारेगा। आएगा गाड़ी फंसा हुआ है कोई? अच्छा अच्छा চলো আর মেরি বাড়ি। এওয়ালা প্যাচ বহুত খতরনাক হ্যায়, ল্যান্ডস্লাইড হুয়া হ্যায়, সারা বাইক সারা গাড়ি ফিসল রা হ্যায়, মুঝে ভি নিকলনা হ্যায় কিসি তরহ। ये वाला पैचेस देखो यार, ऐसे नीचे उतर के फिर ऐसे ऊपर चढ़ना है, सच में मान गए यार। मुक्तिनाथ जी इतना ही आसानी से किसी को अपने पास नहीं बुलाते हैं, उसके लिए बहुत मुशक्कत करना पड़ता है। सच बताऊं यार, मुक्तिनाथ आके जंगस्कार लद्दाख साला फील एक साथ याद दिला दिया। पहुंच चुका हूं कालो पानी और राइट साइड में स्नो हिल्स का नज़ारा देख सकते हो। और ये वाला जो जगह है वैली, पूरा नूबरा वैली का याद दिला रहा है। लेकिन अंदर में कोई लाइनर नहीं पहने हैं, हद से ज़्यादा ठंड लग रहा है क्योंकि हवा लग रहा है, शायद खड़े हो जाएंगे तो उतना ज़्यादा ठंड नहीं लगेगा।
अभी बाइक एक्सचेंज कर लिए हैं, हिमालयन पे आ गए हैं हम, देखते हैं कैसा फील होता है हिमालयन में। बहुत तगड़ा वाला पावर है यार इसमें, खतरनाक एकदम। पहुंच चुका हूं मार्फा, टाइम हो चुका है 6:26। अभी भी मेरे हिसाब से एक घंटे से ज़्यादा ही लगना चाहिए। हिमालय ट्राई कर रहे थे, लेकिन भैया का दो जेडी कैन दो साइड लगा हुआ है, मेरा पैर थोड़ा लंबा है इसलिए मैं पैर ठीक से बैठ नहीं रहा है वहाँ पे, इसलिए छोड़ दिए। खुलता हो ना दी, कुछ खुलता हो ना, एक खुले पूरे सब लगाते हुए बोल जी, एक कुछ खुलता हो। पहुँच गया निर्वाणा होम स्टे पे, मुक्तिनाथ यहाँ से 7 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है। टोटल आज 12 घंटे का राइड हुआ है, 175 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर है। किसी भी तरह पहुँचा हूँ, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग था। यहाँ पे दीदी बैठी हुई है, खाना रेडी है, ठंडा कितना ज़्यादा है आज, इससे ज़्यादा है। भैया थोड़ा रूम पे गए हैं, पहले खाना खा लेते हैं फिर बात करते हैं। ये नेपाली का थकाली नहीं है, ये एकदम इंडियन प्योर चीज़ है। सब कुछ है यहाँ पे, फुल गोभी का तरकारी है, दाल भी है, भात भी है, पापड़ भी है, अचार भी है, थोड़ा सलाद है और ऑमलेट लिए हैं, खाते हैं पहले। 550 करके पड़ा, याद रखना ये चीज़। मुक्तिनाथ अगर आ रहे हो अपर मकसन के नीचे, क्योंकि अपर मकसन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन खा के पहले बताते हैं कैसा टेस्ट हुआ है।